स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल वेलकम टू स्टडी आई क्यू आई अमित वरिदी के लोर दिस इज द लेक्चर नंबर फोर ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जिसके अंदर आज हम एंग्लो सिख वॉर्स के बारे में पढ़ेंगे हमारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसमें हिस्ट्री यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट एक मेजर पार्ट रहता है उसके लिए एक रेफरेंस बुक आती है जिसका नाम है स्पेक्ट्रम इसको फॉलो करके इसको अच्छी तरह से रिवाइज करके यूपीएससी सिविल्स के जो प्रीलिम्स होते हैं या फिर जो और दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज हो या कुछ बैंकिंग एग्जाम्स हो उसकी जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो अच्छी तरह से कवर किया जा सकता है इस सीरीज़ के द्वारा हम मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा का पूरा कवर करेंगे एंड स्पेसिफिकली इस बुक को सेंटर में रख के यानी कि ताकि आपको बाद में जब रिवाइज करें तो आप इसी बुक को यूज कर सकते हैं एंड इट विल एक्चुअली हेल्प यू हव एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कम फ्रॉम दिस ये जो बुक है ये नोट्स के फॉर्मेट में है इसको डायरेक्टली पढ़ेंगे तो हमें वो याद नहीं होंगी चीजें और ना ही उन चीजों का कॉन्टेक्स पता चलेगा रादर वो डेटा आपके दिमाग में कभी घुसेगा नहीं आपको लगेगा कि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली एंड यू आर अनेबल टू रिमेंबर इट इफ यू वॉन्ट टू रिमेंबर द हिस्ट्री द इजिएस्ट वे टू डू इज दैट फॉलो दिस बुक हिस्ट्री टेक्स बुक एनसीआर जो पुराने वाली ओल्ड एनसीआरटी है या जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इस क्लास के द्वारा उसको पहले आप ओल्ड एनसीआर से पढ़ेंगे उसके बाद स्पेक्ट्रम को यूज करेंगे रिविजन के लिए राइट वी विल फोकसिंग ऑन दिस टू बुक्स हम ओल्ड एनसीआरटी और स्पेक्ट्रम को पूरे की पूरे इस सीरीज के अंदर फोकस करेंगे दीज टू बुक्स वुड बी कंप्लीटेड। अंडरस्टैंड दैट अब अगर हम स्पेक्ट्रम का जो इंडेक्स देखते हैं जो पहले दो चैप्टर है उसमें कोई खास चीजें नहीं है उसे क्वेश्चन नहीं आते हैं यू जस्ट रीड दैम एंड डन विद इट क्वेश्चन आना स्टार्ट होते हैं चैप्टर थ्री एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया से लेकिन हमने जो स्पेक्ट्रम की सीरीज स्टार्ट की है अगर आप उसका लेक्चर वन देखेंगे एंड विच यू शुड वॉच द लेक्चर वन वो यहाँ से स्टार्ट होता है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज द रीजन फॉर इट मॉडर्न इंडिया एज ए टॉपिक मॉडर्न इंडिया बिगिन होता है सेवनटीन हंड्रेड फिफ्टीज के बाद उसी चीज को कहा जाता है मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत का जो इतिहास है एंड सेवनटीन हंड्रेड फिफ्टीज इसलिए वो टाइम लाइन चूज की गई है क्योंकि दैट इज दाइम जब ब्रिटिश रूल इंडिया में स्टार्ट होता है तो दैट इज दिस इज दैप्टर एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया अब जो ये प्रोसेस है ब्रिटिश पावर के रूल को एक्सपैंड और कंसोलिडेट करने का यह सत्रह सो पचास से लेकर अठारह सो पचास तक चलता है बाई देन द ब्रिटेन एक्चुअली हैड द होल ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल यही पूरा प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में चैप्टर नंबर फाइव में बताया गया है हम जो स्पेक्ट्रम की अगर आप सीरीज की प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसके अंदर जो लेक्चर वन टू और रूल को कायम किया था अब जो रूल को कायम करने का जो प्रोसेस है उसका तरीका यह है कि अलग अलग रीजनल पावर्स को कैसे कैसे ब्रिटिशर्स ने डिफीट किया जैसे कि लेक्चर नंबर वन में हमने देखा था कि बंगाल को कैसे कंट्रोल में किया लेक्चर नंबर टू में देखा था मैसोर को से कंट्रोल में किया लेक्चर नंबर थ्री को देखा था मराठा को कैसे कंट्रोल में किया आज हमें एंग्लो सिख वॉर्स पढ़नी है यानी कि बेसिकली हाउ पंजाब एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया वॉज कंट्रोल्ड बाई ब्रिटिशर्स दैट इज वॉट वी विल नो स्पेसिफिकली जब भी हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1857 एंड देन रिवोल्ट ऑफ 1857 को पढ़ना स्टार्ट करेंगे राइट नाउ कमिंग टू दैट बिफोर वी स्टार्ट क्लास ऑफ द टुडे लेट मी टेल यू कि अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन दो के प्रिलिम्स और मेन्स के लिए कर रहे हो एंड यू वॉन्ट टू इंश्योर कि बेसिकली आप किसी भी चीज को चांस के ऊपर ना छोड़ो एंड एक्चुअली गेट एक्चुअली बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम देन स्टडी आई क्यू है प्रोपोजिशन फॉर यू स्टडी आई क्यू का यूपीएससी सिविल्स का प्रिलिम्स और मेन्स का एक लाइफ फाउंडेशन बैच बिगिन किया गया है ना दिस लाइफ फाउंडेशन बैच इज बिगिनिंग फ्रॉम द इलेवेंथ ऑफ जुलाई ग्यारह जुलाई से स्टार्ट होगा इट इज अ मॉर्निंग बैच ये सुबह आठ बजे इसकी क्लासेज हुआ करेगी ये जो बैच है इस बैच के अंदर आपको सारे के सारे यूपीएससी प्रीलिम्स के जो जीएस वन के जितने भी सिलेबस में टॉपिक्स हैं जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और सी सेट एंड ऑल्सो जी एस फोर जो मेंस के चार जीएस के पेपर हैं उन सारे के सारों को कंप्लीटली प्रिपेयर कराया जाएगा लाइव क्लासेस के द्वारा

इंडिविजुअल जो कि आपको व्हाट्सएप और कॉल पर भी उपलब्ध होंगे सो यू कैन इमीडिएटली कॉल कोई भी डाउट है कोई कंफ्यूजन है आप अपने मेंटर्स के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं एंड दीज में एंड ऑफ यूर एग्जाम नाउ दिस इज ओनली फॉर दोज पीपल हु डू नॉट वॉन्ट टू लिव इट फॉर चांस अगर इस साल प्रम्स नहीं हुआ है एंड यूर इन कंफ्यूजन एंड यूर इन स्ट्रेस और डिप्रेशन एंड यू आर एक्चुअली लॉस्ट राइट नाउ दिस इज एग्जैक्टली फॉर यू इट्स ट्रीमेंडसली अफोर्डेबल सिर्फ और सिर्फ कोर्स जो है अठारह हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए का है फॉर कमिंग नेक्स्ट एटीन मंथस टिल द टाइम आपका दो हजार तेईस का मीन नहीं हो जाता है नौ सौ निन्यानवे का जो कोड है दिस इज अ डिस्काउंटेड प्राइस जो कि अमित लाइव नाम का कोड यूज करने पर लगता है आई जस्ट शो यू सिंपल प्रोसेस अगर आप स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाते हैं तो यूपीएससी आई एस का लाइव फाउंडेशन मॉर्निंग बैक रिमेंबर लाइव फाउंडेशन मॉर्निंग बैच क्योंकि इसकी क्लासेस बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसकी क्लासेस होंगी सुबह आठ बजे यूपीएससी प्रिलियम्स लाइव मॉर्निंग बैच जो कि 11 जुलाई आठ बजे से स्टार्ट होगा नाउ यू विल सी कि इसका जो प्राइस है वो 25,500 है अगर आप इस पर बाई नाव करते हैं तो यहां पर वो प्रोमो कोड लगाने का जो ऑप्शन होता है वो अप्लाई कर सकते हैं यू जस्ट गो ऑन देयर एंड टाइप इन ए एम आई टी लाइव एंड यू अप्लाई

एंड देर इज द प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड इन दिस मतलब कि आपको अलग से कहीं से प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज नहीं लेनी पड़ेगी चालीस से भी अधिक टेस्ट जो होंगे यू विल भी आपको इसी प्रोग्राम के अंदर करवाया जाएगा एंड देन देर आर ऑब्वियसली सक्सेस इन प्रिलिम्स एंड द करंट अफेयर्स प्रोग्राम मॉड्यूल्स जिसका मतलब यह है कि आपको हर रोज फोर्टी फाइव मिनट्स का लेक्चर मिलेगा करंट अफेयर्स का सो यू डोंट हैव टू गो एनी वेयर एल्स फॉर दी करंट अफेयर्स सिर्फ और सिर्फ वो फॉलो कीजिए और जो बताया गया है जो हैंड आउट्स मिले हैं सक्सेस इन यानी कि जब प्रिलिम्स हमारे पास आ जाएगा तो एक क्रैश कोर्स होगा 100 से 120 दिन का जो कि प्रिलिम्स में आपको रिवाइज करने में हेल्प मिलेगा सो so, इफ यूर एब्सोल्यूटली इंटरेस्टेड की अभी चीज़ों को चांस पे न छोड़कर आई हैव टू गिव वन सीरियस एप्सोलूट अटैम्प्ट वेर समबड़ी कैन गाइड मी एंड मेंटर मी द स्टडी आई क्यू लाइफ फाउंडेशन प्रोग्राम इज फॉर यू एंड ऑल्सो रिमेंबर टू यूज़ अमित लाइव क्योंकि देर आर सर्टन स्टूडेंट्स जो कि इसको ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीजी का भी खरीद लेते हैं जस्ट यूज द कोड अमित लाइफ विच वुड बी एडवाइजेबल टू बी ट्स कम टू द एजेंडा ऑफ द टूडे आज का एजेंडा है हमें एंग्लो सिख वॉर पढ़ने का नाउ वी हैव बीन मीटिंग आफ्टर अवाइल हम काफी दिनों बाद मिले हैं तो हमें एक छोटा सा एक स्लाइटली सा एक बेसिक रिविजन करते हैं वट एग्जैक्टली हैज हैपन फॉर द न्यू स्टूडेंट दिस इज वट इज हैपनिंग गाइड नाउ हमने स्पेक्ट्रम नाम की जो हिस्ट्री की रेफरेंस बुक है उसको करने की ये लिए सीरीज स्टार्ट की है ऑल्सो हमने जो मॉडर्न इंडिया की ओल्ड एनसीआर टी है आर ऑल्सो फॉलोइंग दैट वो हमारी बुक है स्पेट्रम वक्लीज ए रिवीजन हमने जो स्पेक्ट्रम का लेक्चर नंबर फाइव है, है लेक्चर नंबर वन इन द्ले लिस्ट बिगिन अब यह स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि मॉडर्न इंडिया जो सिलेबस में जो एक टर्म हैचास तक का जो इतिहास है वो प्राइमरली ब्रिटिश कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन का है लेक्चर नंबर वन और टू और थ्री के अंदर हम देख चुके हैं कि कैसे बंगाल मैसोर यानी कि बेसिकली साउथ और यानी कि बेसिकली सेंट्रल इंडिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ चुका है ड्यूरिंग द वॉर्स हाउ दे एक्चुअली टुक ओवर इट फ्रॉम 1750s टू अराउंड 1820 तक हम एक्चुअली पहुंच चुके हैं काफी सिंपल है 1700s के बाद 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद जो मुगल एंपायर की जब पावर डिक्लाइन हुई तो इंडिया में मल्टीपल रीजनल पावर्स राइज हुई व चैलेंजर टू द मुगल पावर या फिर जो मुगल पावर का डिक्लाइन है उसकी वजह से जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उसके क्लेमेंट थे मतलब कि दे वुड हैव क्लेम्ड दी पावर एंड दे वुड हैव बिकम अ नेशनल पावर साइमल्टेनियसली देर वर सर्टन यूरोपियन पावर्स जैसे कि फ्रेंच पोर्चुगीज स्पेन एंड ऑब्वियसली ब्रिटेन जो कि इंडिया में ट्रेडिंग करते थे देवर एट देवर प्रेजेंट इन इंडिया एज अ ट्रेडिंग बिजनेस अब ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ जो कि मुगल्स के वजह से मुगल्स की पावर डिक्लाइन करने की वजह से हुआ था इसको कई सारी रीजनल पावर्स ने फिल करने की कोशिश की एंड

ब्रिटिशर्स ने कैसे डिफीट किया एंड देन सेंट्रल इंडिया के जो सबसे बड़े जो सबसे ज़्यादा पावरफुल उस समय के रीजनल पावर थे तो दर इज ओनली वन विच इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडिया विच इज वेस्ट पार्ट विच इज मतलब पंजाब अब पंजाब जो था इसके बारे में हिस्ट्री देखते हैं और क्या सिस्टम हुआ था क्या नहीं हुआ था देखो मराठा चीफ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर अगेन हमने देखा है कि ये सीरीज हम पढ़ कैसे रहे हैं अगर आप स्पेक्ट्रम में देखोगे तो एवरी रीजनल पावर इज डिफीटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वॉर्स बंगाल का आ, पलासी बक्सर वॉर ऑफ बैटल ऑफ बक्सर थी उसके बाद फर्स्ट एंग्लो माइसोर सेकेंड एंग्लो थर्ड एंग्लो फोर्थ एंग्लो सिमिलरली मराठा की तीन थी थर्ड फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर एंड थर्ड थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद जितने भी मराठा चीफ थे अब वो बेसिकली ब्रिटिश इंडिया की पावर के ऊपर मर्सी पर थे सब ने सब्सिडरी अलायंस साइन कर दिया था पेशवा थी वो बेसिकली उसको अबॉलिश कर दिया गया था सो मोर और लेस बाई दी एटीन हंड्रेड ट्वेंटीज जो मराठा एम्पायर था दैट वॉज एक्चुअली फुट इन टू दिस्ट्री बुक्स वो हिस्ट्री में जा चुका था राजपूताना स्टेट्स यानी कि जो प्रेजेंट राजस्थान है वो बहुत सेवरल डेकेड दे, से इवन बिफोर द ब्रिटिशर्स कुड लीड सिंधियाज और होलकर्स

अट्ठारह so, सो 1818 के करीब में विच इज द द एंड ऑफ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट सिर्फ और सिर्फ पंजाब और सिंध को छोड़ के ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ चुका था अब जो इंडिया था आप ये बात तो हम पहले से समझते हैं कि जो ब्रिटिश रूल के अंदर इंडिया दो भागों में बटा हुआ था एक तो प्रोविंसेस यानी कि जो ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल करते थे एंड देन देर वाज स्पेसिफिकली जो कि इंडियन रूलर्स रूल करते थे उन जगह को बट देवर अंडर द ब्रिटिश पैरामाउंसी यानी कि सॉवरेनिटी जो थी एक्सटर्नल अफेयर्स जो थे उनके वो ब्रिटिश हैंडल करते थे सो ब्रिटिश एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर इनके पास खुद की कोई आर्म्ड फोर्सेस नहीं होती थी ना ही कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन रिलेशंस हुआ करते थे एंड दैट इज वट वी हैव सीन इन दी फर्स्ट थ्री लेक्चर्स आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब को समझने का जरूरत है ब्रिटिशर्स ने पूरे के पूरे इंडिया को कांकर करने का जो टाइम था वो 1818 से लेके अट्ठारह तक कंप्लीट कर लिया ओके okay, if, if अगर मैप के अंदर विजिबल है तो ये देखिए दिस इज बंगाल एरिया ये माइसोर है ये पूरा का पूरा मराठा एरिया हुआ करता था राजपूताना जो स्टेट्स थी उन्होंने भी बेसिकली मोर और लेस पैरामाउंट ही एक्सेप्ट कर ली थी एक ये जो एरिया है दिस

अहमद शाह अब्दाली भी रेगुलरली इन्वेड किया करता था सो दैट ही वॉज द रूलर ऑफ अफगानिस्तान तो वहीं से नॉर्थ वेस्ट में आया करता था मुगल्स यहाँ पे थोड़े से डिक्लाइन होने लग रहे थे तो जो पूरा का पूरा एरिया है द वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न एरिया ऑफ द इंडिया ये कन्फ्यूजन में था और एन में था ऐसे कन्फ्यूजन्स में एक

मिसल के द्वारा रूल किया जाता था काइंड ऑफ स्मॉल किंगडम आप ये छोटे कि एक पूरा का पूरा बड़ा एरिया है और उसको 12 अलग अलग रूलर्स रूल rule करते हैं बट इन अ ब्रदरहुड काइंड ऑफ थिंग दे आर डूइंग इट इन अ सिमिलर काइंड ऑफ मिलिट्री ब्रदरहुड होता है तो एक जो प्रोविंस है उसको मिसल कहा जाता है अब मिसल एक अरेबिक वर्ड है इसका मतलब इक्वल होता है या फिर कई बार इसको स्टेट भी कह सकते हैं सो so एक मिसल यानी कि एक छोटी स्टेट इस प्रकार के जो पूरा का पूरा, पूरा पंजाब का जो एरिया था Uh, जो पंजाब इस समय इंडिया में है और जो पंजाब बेसिकली पाकिस्तान में भी चला गया था दैट होल एरिया वॉज टोटली रूल्ड बाय 12 मिसल्स उनको कहा जाता मिसल मतलब मिसल की एक टर्म है अगर आपसे कभी पूछा जाए तो मिसल इज़ ए टर्म यूज टू आइडेंटिफाई द मिलिट्री ब्रदरहुड्स ऑफ पंजाब ड्यूरिंग दी 17th एंड द 18th सेंचुरी मतलब कि पंजाब को कौन रूल करता था अलग अलग मिसल में रूल किया जाता था मिसल एक प्रकार से गुट है आप ये समझ लीजिए एक ग्रुप ग्रुप वन स्टेट्स ऑफ सिख जो 18th में राइस करती है। Again, है कि मुगल बढ़ावा मिला और मुगल नादर शाह के इन्वेजन से भी बेसिकली इनको करने का मौका मिला सत्रह से लेकर सत्रह तक बड़े सारे से मिसल्स ने पंजाब को रूल करना स्टार्ट किया अंडर दिख चीफ फ्रॉम सहारनपुर इन द ईस्ट टू अटोक इन देश फ्रॉम द माउंटेनियस रीजन द नॉर्थ टू द मुल्तान इन द साउथ जस्ट ये सिर्फ और सिर्फ आपको जोग्राफिकल एक्सपेंस बताने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब पंजाब एम्पायर का अब यहां पर यह बारह मिसल्स के आपको नाम याद करने पड़ सकते हैं देर आर ट्वेल्व मिसल्स और आपको ट्वेल्व के ट्वेल्व मिसल्स के नाम याद करने पड़ सकते हैं वॉर्डर दिन आलू वालिया भांगी दाले वालिया फाजिलपुरिया कन्हैया करोरा सिंघिया नक्की निशानिया फुलकिया रामगढ़िया सुकरचकिया और शहीद दीज वर द नेम ऑफ मिसल्स टू रूल पंजाब इन ट्वेल्व दे वर इक्वल इन अदर काइंड ऑफ ए कॉन्फिडरेसी सिस्टम होता था अब इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट मिसल है दैट इज दुकर चकिया सुकर चकिया मिसल रंजीत सिंह जी जो थे महाराजा ग्रेट द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिख किंग एवर महाराजा रंजीत सिंह जी इनका जन्म हुआ है नवंबर दो सत्रह में ये बॉर्न हुए थे सुकर चकिया सिंह मिसल के अंदर अब जो मिसल थे वो एक गुरुमत्ता संघ का जो पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम है उसके ऊपर बेस्ड थे दिस सेंटेंस इज इंपॉर्टेंट कि डायरेक्टली गुरुमत्ता संघ

He was a born genius. He was a born man of leaders. He was a born leader of the men. He was a born leader of the men. I think that is the correct statement. He was a born leader of the men. Ranjit Singh was born in around 1780s. And by time 1790s, by that time his father died. And he gains the power. And he was smart. From the childhood only, uh, one could easily gauge that this person is going to be some kind of a great. तब जब 1790s के बारे में बात करें तो जो ये मिसल्स थे ये सारे के सारे डिसइंटीग्रेट हो रहे थे यू दिस इज वॉट हाउ यूजली विद डेमोक्रेसी यू स्टार्ट विद इक्वल लेकिन फिर कहीं ना कहीं से कहीं पर जंग लग जाता है कुछ खराब होने लग जाता है सम वन वन सर्वाइव एंड दैट वॉज सुकर चकिया मिसल रंजीत सिंह बेसिकली कंसॉलीडेटेड ऑल होमर ये सारे के सारे जो इवेंट्स थे मुगल पावर की डिक्लाइन अहमद शाह अब्दाली का आना अहमद शाह अब्दाली के जो कन्फ्यूजन uh, जो क्रिएट किया हुआ था मिसल्स की जो डिसइंटीग्रेशन हो रही थी रंजीत सिंह ने इन चीज़ों को एक्सप्लोइट किया एंड ही फॉलोड अ रूडलेस पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन एंड इस मेजर मिलिट्री पॉलिसी से उन्होंने अपना एक किंगडम कार्व आउट किया 1790 हंड्रेड के समय में 1799 में रंजीत सिंह को अपॉइंट किया गया था गवर्नर ऑफ लाहौर बाय द जमन शाह द रूलर ऑफ अफगानिस्तान 1805 में रंजीत सिंह ने जम्मू एंड अमृतसर को एक्वायर किया उस समय इनकी पॉलिटिकल कैपिटल लाहौर होती थी रिलीजियस कैपिटल अमृतसर बन रही थी रंजीत सिंह के द्वारा और साथ ही साथ डोगराज और नेपालीज के साथ भी उन्होंने अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखे फाइनली द होल प्रोसेस इज दैट कि रंजीत सिंह ने जितने भी मिसल्स थे उन सबको एब्जॉर्ब कर लिया यूनाइट करके एक किंगडम खड़ा किया जिसको पंजाब किंगडम के नाम से सिख किंगडम के नाम से जानते हैं। सो जस्ट इन केस आपको समझ नहीं आया द आइडिया हेर इज दिस वट वी आर डूइंग इज दैट कि हम 1790 से लेके 1805 के बीच में अंडरस्टैंड कर रहे हैं वट महाराजा रणजीत सिंह डिड वट ए डिड वॉज दैट कि उन्होंने जो मिसल्स जो थे छोटे छोटे जो कॉन्फेडरेसीज थे जो कि हो रहे थे, राइट? ही कंसोलिडेटेड ऑल ऑफ़ देम थ्रू ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का मतलब क्या हुआ? बेसिकली तो फोर्स, फोर्स तलवार होती है ब्लड मतलब right? मतलब कि वॉर होगी लड़ाई में खून बहेगा सो ही वाज अ रूदलेस एडमिनिस्ट्रेटर उनका सिंपल एम था एक empire, एक करना तो किसी के अगर कोई नहीं मानता था तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी से उसको समझाया जाता था इफ दैट इज नॉट वी कैन से एंड ही सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग अ किंगडम फॉर हिमसेल्फ वेरी सक्सेसफुली उन्होंने सारे के सारे मिसल्स कोऑर्डिनेट कर दिया ये सिर्फ बैकग्राउंड है आज का हमारा टॉपिक इसको इसमें समझने की बात नहीं जस्ट हैव टू गेट जो बैकग्राउंड क्योंकि बिना कॉन्टेक्ट के स्टार्ट कर देते तो हमें कुछ समझ में नहीं आता अब सवाल यह होता है कि 1805 के समय में This whole area is basically ruled by Maharaja Ranjit Singh. This is the situation, okay? And Britishers को अब इंटरेस्ट आ गया है वह ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में बंगाल है माइसोर वो 1799 में जीत चुके हैं 1802 में बेसिकली सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में ट्रीटी ऑफ बेसिन स्टार्ट बेसिन साइन होती है विच इज ऑल्सो कॉल्ड ए ट्रीटी विच गेव द की ऑफ द इंडिया टू द ब्रिटिशर्स तो अब ब्रिटिशर्स के पास ऑलमोस्ट फुल फ्लेजेड पावर है सो नाउ लेट सी वो इन पंजाब एक फ्रेंको रशियन इन्वेजन इंडिया होने का चांस था हिस्टोरिकल इवेंट है यहां से इंग्लैंड को लगता था ब्रिटेन को लगता था अंग्रेजों को लगता था कि इधर से फ्रांस और रशिया मिलकर अटैक कर सकते हैं वर कंसर्न अबाउट इट इनके बीच में यहां पे ब्रिटिश एम्पायर है ये पंजाब एम्पायर है दे हैड दिस थिंग यहां से फ्रांस और रशिया अटैक कर सकते हैं एट दैट टाइम दो पोलिटिकल सिचुएशन ऑफ द टाइम पंजाब बफर स्टेट था सो ब्रिटिशर्स वॉन्टेड टू एंगेज विदाब फॉर द सोल फीयर की अटैक हो सकता है अठारह सौ सात में लॉर्ड मिंटो ने चार्ल्स मेटकॉ को लाहौर भेजा नाउ दिस इज लॉर्ड मिंटो आपने सुना सौ 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आए थे ये दूसरे वाला मिंटो इट्स एन उस समय बेसिकली गवर्नर जनरल था इंडिया का वो दूसरे वाला भी वाइस रॉय था लेकिन दिस इज एन आर नॉट रिलेटेड एक दूसरे से अलग है याद रखिएगा सो एटीन में चार्ल्स मिंटो नो सॉरी लॉर्ड मिंटो ने चार्ल्स मेटकॉल्फ को लाहौर भेजा रंजीत सिंह ने उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया मेटकाल्फ के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और एक ऑफेंसिव और डिफेंसिव अलायंस बनाया ब्रिटिशर्स के साथ द आइडिया वॉज दैट कि इंग्लिश वुड रिमेन इन केस ऑफ सिख अफगान वॉर एंड वुड कंसिडर रंजीत सिंह द सॉवरेन ऑफ द एंटायर पंजाब सो द सिचुएशन इज दैट कि ब्रिटिश एम्पायर और एंग्लो रश सॉरी फ्रेंच रशियन इन्वेजन के बीच में एक बफर स्टेट है पंजाब ब्रिटिशर्स आर वर इज अ पॉसिबिलिटी कि फ्रांस और रशिया मिलकर अटैक कर सकते हैं सो दे नीड टू कंसोलिडेट एंड ट्राई टू सेव देयर प्लेसेस इन इंडिया तो वो पंजाब भेजते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को टू गेट ए डील विद रंजीत सिंह एंड टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है फाइन रंजीत सिंह अग्रीज

रंजीत सिंह ने 1809 में अंग्रेजों के साथ एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की ट्रीटी ऑफ अमृतसर का बैकग्राउंड यह था कि ब्रिटिशर्स वर थिंकिंग कि माइट बी विंकिंग पॉसिबल फ्रेंच रशियन इन्वेजन फ्रॉम द वेस्ट साइड ऑफ द कंट्री रंजीत सिंह अग्रीड टू इट ऑन दी आईडिया यू विल कंसिडर आई विल बी दॉवरेन डन है ये दोनों के लिए सेफ वाली बात थी अमृतसर की जो ट्रीटी थी ये थोड़ी सी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है अमृतसर की जो ट्रीटी है इट एंडेड अप बिकमिंग सिग्निफिकेंट द रीजन बीइंग सबसे पहले रंजीत सिंह की जो मेजर एम्बिशन थी वन ऑफ द मेजर एम्बिशंस वाइल ही वाज एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर तो वो सेवनटीन में स्टार्ट हुआ था तो अचानक से 1807 में खत्म तो नहीं हो जाएगी उसकी वो एक्सपेंशन की एंबिशंस उसकी एंबिशंस थी कि वो अपने रूल को सतलुज रिवर से भी आगे बढ़ाए नाउ रिमेंबर दिस मैप लुक एट दिस मैप ये जो रिवर है ज दतलुज रिवर ठीक है अब ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो साइन होती है उसमें रंजीत सिंह गिव्स अवे कि उनका जो पंजाब का जो एम्पायर होगा वो इसके वेस्ट में होगा ईस्ट में इंग्लैंड ब्रिटेन हो गया एंड दिस वुड बी दिख एम्पायर दिस क्रिएटुए दिस एज द मेजर रिप्रिकॉशन रंजीत सिंह ने अब अपने रूल को एक्सटेंड एंटायर सिख नेशन बाय एक्सेप्टिंग द रिवर सतलुज एज दाउंड्री लाइन फॉर हिज डोमियन एंड दी कंपनीज So, सतलुज रिवर को बाउंड्री मान लिया गया था काइंड ऑफ एन इंटरनेशनल टेरिटरी कि उसके ईस्ट में ब्रिटिश डोमिनियन है और उसके वेस्ट में सिख डोमिनियन है ना हो उन्होंने अपनी एनर्जीज को डायरेक्ट किया वेस्ट की तरफ मुल्तान को जीता कश्मीर को जीता और पेशावर को जीता फाइन रणजीत सिंह की डेथ होती है 1839 में एंड विद डेथ द प्रोसेस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ दिस एम्पायर आल्सो बिगे ग्रेट एज यूजुअल वी ज हिस्ट्री सो वी नीट टू स्लाइटली रिवाइज इट थोड़ा करते हैं। हम देख रहे हैं 1790 से लेके 1840 तक की कहानी 1790 से 1840 तक की कहानी है महाराजा रंजीत सिंह जी की महाराजा रंजीत सिंह जी जो कि शुक्र चकिया के मिसल के अंदर जन्म लेते हैं नाउ हिज फादर डाइज एट दी एज ऑफ ट्वेल्व उनका नाम था महान सिंह सॉरी महाराजा रंजीत सिंह वॉज ऑल्सो महान इन इट एडजेक्टिव एंड ही ज ए नाउन फादर ओके नाउ कमिंग टू दिस तो 1790 से 1840 तक महाराजा रंजीत सिंह अपने जो मिसल हैं पंजाब के मिसल हैं उन सबको कंसोलिडेट करके एब्सॉर्ब कर लेते हैं एक सिख एम्पायर के अंदर यूज एन एबसोल्यूट जीनियस नो डाउट्स अबाउट इट. ठीक है बीच में एक इंपॉर्टेंट इवेंट है इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है अट्ठारह की ट्रीटी ऑफ अमृतसर ट्रिटी ऑफ अमृतसर ब्रिटिशर्स और आ, महाराजा रंजीत सिंह के बीच में साइन होती है इसकी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रिप्रिकॉशन है वो ये है कि सतलुज रिवर को सतलुज रिवर को बाउंड्री मान लिया जाता है सिख एंपायर की और ब्रिटिशर्स की फाइन नथिंग मेजर हैपन्स टिल एटीन हंड्रेड फोर्टीज 1839 में जब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है और दैट इज वेयर द डिक्लाइन ऑफ द सिख एम्पायर यहां पर ऑन स्लॉट स्टार्ट होता है ब्रिटिशर्स का फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो कि 1845 से 46 में यानी कि महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के छह सात साल के बाद स्टार्ट होती है वो इसलिए हुई थी कि सिख आर्मी ने रिवर सतलुज को क्रॉस कर लिया ग्यारह दिसंबर अट्ठारह को डेट याद रखने की जरूरत नहीं है बट अगर याद रह जाए तो बढ़िया है बट 1845 तो जरूर याद रखना ठीक है दिस वॉज सीन एज एन अग्रेसिव मनोवर दैट प्रोवाइडेड द इंग्लिश दस्टिफिकेशन टू डिक्लेयर वॉर इफ यूल सी दिस्ट्री अंग्रेज बहाने ढूंढ रहे थे लड़ाई करने के एंड लेट्स बी ऑनेस्ट इट वॉज अ टाइम इट वॉज अ डिफरेंट टाइम किसी भी बहाने पर लड़ाई हो सकती थी सो इट वॉज नॉट एक्चुअली वेरी कोई साइंस ही वाली बता मतलब द पोलिटिकल वर्ल्ड वॉज ओके विद वॉर्स आजकल जो वॉर है यूजुअली अ मॉरल क्वेश्चन इज ऑल्सो मॉरल क्वेश्चन राइज हो जाता है जैसी वॉर होती है हवेवर एट दैट टाइम वॉर्स वर काइंड ऑफ नॉर्म्स सो जो ट्री ऑफ अमृतसर ने सतलुज रिवर को डोमिनियन बाउंड्री माना हुआ था ग्यारह दिसंबर अठारह को ऐसा एलिगेशन लगाई जाती है कि जो सिख आर्मी है उन्होंने रिवर सतलुज को क्रॉस कर लिया रिवर सतलुज को क्रॉस किया ये बात ब्रिटिशर्स से बर्दाश्त नहीं हुई एंड इस बात के ऊपर दिस इज द रीजन वाई दी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर वॉज फॉट वॉर दिसंबर 1845 में स्टार्ट होती है ठीक है ब्रिटिशर्स की तरफ से 20 से तीस हजार सिपाही थे सिख की तरफ से पचास हजार के करीब सिपाही थे अंडर द कमांड ऑफ द लाल सिंह अब टेक्निकली ये जीत जाने चाहिए थे परंतु जस्ट व्हाट हैपन्ड इन दॉर ऑफ द प्लासी जैसे कि प्लासी की वॉर में जो नवाब थे बंगाल के उनकी जो कोर्ट के आदमी थे मीर जफर हो गए या फिर अमी चंद हो गए उन उनकी घसीटी बेगम जो हो गई उन्होंने ही जैसे ट्रेजरी की थी धोखा दिया था सिमिलरली व्हाट हैपन इज दैट लाल सिंह अगेन सेनापति ऑफ द सिख आर्मी उसकी ट्रेचरी और तेजा सिंह ने लगातार पांच डिफीट की सिख को लाल सिंह कंसिस्टेंटली ब्रिटिशर्स को इंफॉर्मेशन भेज रहा था एंड वॉर ही एक्चुअली एनवन पार्टिसिपेट ध्यान नहीं देता था तो इस वॉर के अंदर कई सारी बैटल्स हुई 18 दिसंबर को मुड़की पे 21 दिसंबर को फिरोज शाह अट्ठाईस जनवरी को बुद्धलॉल 10 फरवरी को सोबरांव और फिर लाहौर बेसिकली फाइनली 20 फरवरी को विदाउट अ फाइट लाल सिंह ने वहां पे लड़ने से ही मना कर दिया था सो यू कैन ईजीली सी कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के अंदर कौन जीता कैटेगोरिकली ब्रिटिशर्स मतलब जितनी भी बैटल्स हुई थी वो तेजी से सक्सेसिवली बेसिकली अंग्रेज जीत करके ड्यू टू दी ट्रेचरी ऑफ दी लाल सिंह एंड द तेजा सिंह ये सेनापति थे सिख आर्मी के और उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया जब लाहौर बेसिकली ब्रिटिशर्स ने जीत लिया लाहौर इज द पोलिटिकल कैपिटल ऑफ द सिख एम्पायर सो so, लाहौर ब्रिटिशर्स जीत चुके हैं तो यूजुअली वॉर के बाद क्या होता था उस समय एक ट्रीटी साइन की जाती थी ट्रीटी साइन फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर फोर्स द सिक्स टू साइन ए ट्रीटी ऑन द मार्च एट ऑफ दंड्रेड फोर्टी सिक्स और क्या ट्रीटी होती है पहले तो एक करोड़ रुपए पे करने पड़ेंगे ब्रिटिशर्स को यूजुअली द विनर वुड पुट द कॉस्ट ऑन द लूजर ऐसे ही वॉर की जो ट्रीटी होती है चलिए कोई बड़ी बात नहीं है जलंधर दो आप ब्यास और सतलुज का बयास और सतलुज के बीच का जो एरिया है वो बेसिकली ब्रिटेन ने अपना ले लिया उसके साथ साथ ब्रिटिश रेजिडेंट विल स्टे एट लाहौर जो कि स्टैंडर्ड उनका प्रोसीजर था ब्रिटिशर्स का एट दैट टाइम स्ट्रेंथ ऑफ द सिख आर्मी वाज़ रिड्यूस्ड एंड दलीप सिंह वाज़ रिकोगनाइज एज द रूलर अंडर रानी जिंदन एज ए रिजेंट एंड लाल सिंह एज ए वजीर लाल सिंह बेसिकली अभी भी वजीर ही था तो उसी को वजीर ही बना के रखा गया और पूरी की पूरी एंटायर अच्छा दिस गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग ओके फोकसली कैन बी राइट लाउ ऑल राइट ऑल राइट सुनो सो ट्रीटी ऑफ लाहौर दिस इज इंपॉर्टेंट ओके पॉइंट ध्यान से सुनो सो सिख लॉस दॉर ऑफ द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर लूज कर जाते हैं सो द साइन दीटी ऑफ लाहौर ट्रीटी ऑफ लाहौर ने उनके ऊपर कॉस्ट लगाई जाती है एक करोड़ रुपए की

सो ड्यू टू नॉट बींग एबल टू पे द वन करोड़ रुपीज द कॉस्ट ऑफ द वॉर विच ब्रिटिशर्स पुटन सेम्पायर सो जो कश्मीर था दैट वॉज सोल्ड टू गुलाब सिंह एंड फ्रॉम देयर ऑन द न्यू डायनेस्टी ऑफ द कश्मीर बिगे और उसके बाद ये जो आज का जो प्रेजेंट इतिहास है वो बेसिकली यहीं से स्टार्ट होता है मार्च सोलह अट्ठारह सौ सो छियालीस से यहाँ से कश्मीर का आज का प्रेजेंट इतिहास स्टार्ट होता है

मुलराज द गवर्नर ऑफ मुल्तान वॉज रिप्लेस बाई अ न्यू सिख गवर्नर ओवर द इशू ऑफ इंक्रीज इन एनुअल रेवेन्यू तो होता कैसे है सिख uh, एम्पायर में मुल्तान भी पार्ट है मुल्तान बेसिकली महाराजा रणजीत सिंह ने 1818 में सिख एम्पायर का पार्ट बना लिया था यहां का एक गवर्नर है उसका नाम है मुलराज ऑल राइट पॉइंट इज अ सिख एम्पायर इज अ सिख गवर्नर मुलराज गवर्नर है मुल्तान का इसको रिप्लेस कर दिया गया बाय अ न्यू सिख गवर्नर ओवर द इश्यू रेवेन्यू एनल से बात बर्दाश्त नहीं होती है ही ही मर्डर्स द इंग्लिश ऑफिसर्स जो कि नए वाले गवर्नर के साथ आए थे एंड ये जो मुल्तान में बेसिकली एक तरीके का रिवोल्ट स्टार्ट हो गया ओके दिस इज सम द गवर्नर ऑफ मुल्तान हैज रिवोल्टेड उन्होंने ब्रिटिशर्स की बात मानने से इनकार कर दिया कि तुम्हारा जो नया गवर्नर है उसको

लॉर्ड डल जो थे उस समय हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे एंड दिस पर्सन विल बी रिमेनिंग टिल दिस एटीन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स ये हमारे भारत के गवर्नर जनरल रहेंगे वन ऑफ द वेरी इन्फ्लुएंशियल रेलवेज टेलीग्राफ इनके ही समय में लॉन्च किए जाएंगे एक हिल स्टेशन भी बेसिकली डल के नाम पर रखा एक एग्जिस्ट एक करता ही है धर्म धर्मशाला के पास जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये आदमी है एक्सपेंशनिस्ट इसको अब बहाना मिल गया अब पंजाब को पूरा का पूरा एनेक्स कर लेते हैं खाली वो जो जलंधर दुआब है उसको लेके क्या पूरा का सब्सिडरी अलायंस के पूरा का पूरा अलायंस कर देते हैं, सो जस्ट टू समराइज फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद जो ट्रीटी ऑफ ह्यूमिलिएटिंग जो ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई थी उससे बहुत ही ज्यादा रिजेंट रिजेंटमेंट थी सिख सिक्स में आ, दो साल के बाद ही एक छोटा सा इवेंट होता है मुल्तान की जो जगह है उसका गवर्नर है मुलराज उसको हटा के एक नया गवर्नर असाइन किया जाता है मूलराज से बात बर्दाश्त नहीं होती है वो गवर्नर को भी मर्डर कर देता है उसके साथ जो दो ब्रिटिश ऑफिशियल्स आए थे उसको भी मर्डर कर देता है अब इस रिवोल्ट को इस रिविलियन को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स भेजते हैं शेर शेर सिंह को शेर सिंह वहां पर जाके उसी को ज्वाइन कर लेता है फाइन सो तो एक मास अपराइजिंग हो जाती है मुल्तान के अंदर सो ब्रिटिशर्स एक्चुअली फाइंड प्रीटेक्स टू

अच्छा ये बैटल ऑफ गुजरात में कंफ्यूज मत हो जाना दिस बैटल ऑफ गुजरात इज नॉट दी प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ गुजरात रादर गुजरात एक छोटा सा रिवर झेलम झेलम के किनारे पे एक छोटा सा शहर है आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस क्योंकि ये क्वेश्चन जब प्रीलिम्स में आएगा सो दे विल कंफ्यूज इट एंग्लो सिख वॉर के अंदर तीन बैटल्स हुई हैं दो क्वेश्चन देखो रट्टा लगाने वाली बात है मैं पहली बता देता हूं कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में कौन कौन सी पांच बैटल हुई हैं मुड़की फिरोजशाह बुडलवाल सोबरान और लाहौर एंड देन सेकेंड एंग्लो सिख वार में कौन कौन सी तीन बैटल हुई हैं रामनगर चिल्हनवाला और गुजरात एंड ये गुजरात उस समय कन्फ्यूज कर सकता है कि पंजाब सिख एम्पायर की बैटल्स हो रही हैं गुजरात में तो हो ही नहीं सकती हैं सो वी थिंक वी आर गेटिंग स्मार्ट नो गुजरात एक छोटा सा टाउन है झेलम के किनारे पर है छोटा सा हैमलेट टाइप ऑफ चीज है तो वहां पर भी एक फाइनल फाइनल बैटल हुई थी सेकेंड एंग्लो सिख वॉर नेवर द ये बस इसमें सिर्फ बैटल याद करनी है वी डोंट नीड टू गो इन टू द डीपनेस ऑफ इट एट द एंड ऑफ द वॉर बैटल हार गई सिख आर्मी और शेर सिंह ने अठारह में सरेंडर कर दिया पंजाब अनेक्स कर लिया गया सर्विसेज द अर्ल ऑफ डलहाउजी वाज गिवन द थैंक्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रमोशन मिल गई थी अगेन पूरा का पूरा पंजाब एनेक्स कर लिया था उसने उसके बाद देर वॉज ए थ्री मेंबर बोर्ड बनाया गया पंजाब को गवर करने के लिए जिसमें लॉरेंस ब्रदर हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस और चार्ल्स मैंसल थे याद रखना है ये हल्के में नहीं बता रहा हूं ये याद रखने वाली चीजें हैं अठारह में बोर्ड को नलीफाई कर दिया गया था और पंजाब को एक चीफ कमिश्नर के अंडर ला दिया गया था जॉन लॉरेंस इसी में से ये वाला जॉन लॉरेंस जो है उसका पहला चीफ कमिश्नर बन गया रीजन सो अट्ठारह सो उनचास में डलहा के कमांड के अंदर ब्रिटिशर्स ने पंजाब की जो स्टेट है उसको कैप्चर कर लिया एंड वेरी इंटरेस्टिंग ट्री दिस इज दोसेस दिस इज दाइम वेन ई कैप्चर द कोहिनू डायमंड फ्रॉम द ट्वेल्व ईयर ओल्ड पंजाबी महाराजा दलीप सिंह एटीन हंड्रेड फोर्टी नाइन में जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर है यहीं से कोहिनूर डायमंड कैप्चर किया गया था कौन ले गया था इंडिया से कोहिनूर डायमंड टलहाउजी तभी तो इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रमोशन दे रही है थैंक्स कर रही है इनका फाइनली सो कमिंग टू द मेन थिंग सो जस्ट टू समराइज अगर आपको इस बात को समझना है कि जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे uh, एंग्लो एंग्लो पंजाब एंग्लो सिख वॉर्स का की है इसकी दो पार्ट्स हैं इसके पहले तो एक बार अंडरस्टैंड करना है 1790 से लेकर 1840 तक का समय कि कैसे महाराजा रंजीत सिंह जी ने सिख एंपायर बनाया ठीक है उसमें कौन कौन सी जगह थी बीच में क्या क्या बात है और बीच में एक 1809 में एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर आती है इंपॉर्टेंट अमृतसर है सॉरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है क्यों क्योंकि दैट इज द रीजन उसी ट्रीटी की वजह से फर्स्ट एंग्लो आ, सिख वॉर होगी क्योंकि सतलुज को बाउंड्री बना दिया गया सो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होने का बहाना क्या था कि सिख आर्मी ने बेसिकली सतलुज आ, रिवर को क्रॉस कर लिया सो दैट्स अ डेंजरस मनोवर इट्स अ चैलेंज टू अवर सॉर्नेटी वी आर गोइंग टू फाइट यू रेट। फिर हमें दो वॉर देखनी है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर और सेकंड एंग्लो सिख वॉर क्विक सक्सेस में हुई है एक अठारह सौ पैतालीस छियालीस में दूसरी अट्ठारह सौ अड़तालीस उनचास में सो दिस नॉट मच डिफरेंस ऑलमोस्ट तीन साल के बीच बीच में हो गई है पहले वाली का रीजन हमें पता ही है सिख आर, आर्मी ने बेसिकली सत्योजर को क्रॉस किया था एंड देन वी हैव टू रिमेंबर दी फाइव बैटल्स और स्पेसिफिकली जो लाल सिंह है उसकी ट्रेचरी की वजह से ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं सेकेंड वाली क्यों हुई है मुलराज जो कि मुल्तान का गवर्नर था उसने रिबिलियन कर दिया क्योंकि उसको रिप्लेस करके एक नया गवर्नर बनाया जा रहा था एंड uh, साथ ही साथ सिख आर्मी का एक कमांडर था शेर सिंह उसको पहले सप्रेस करने के लिए भेजा वो उसके साथ ही जुड़ गया सो फाइनली डलहाउजी को बहाना मिल गया कि अब एक काम करते हैं पंजाब को पूरा का पूरा नेक्स्ट कर लेते हैं लीड्स टू द देंकेंड एंग्लो सिख वॉर तीन इंपॉर्टेंट बैटल्स होती हैं द फाइनल बैटल इज बैटल ऑफ गुजरात जस्ट टू रिमेंबर नॉट द स्टेट ऑफ गुजरात टाउन इन टाउन ऑन द बैंक ऑफ द झेलम एंड दैट इज हाउ सिख दिख एम्पायरलीक्स्ट इन टू द ब्रिटिश एम्पायर और साथ ही साथ इसके बीच में कश्मीर भी याद रख लेना कश्मीर इन द सेंस कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में जो ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी उसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई सो so, 8 मार्च को 1846 को ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हो रही है सिख एम्पायर इज अनेबल टू पे दैट अमाउंट ऑफ वन करोड़ रुपीज तो गुलाब सिंह को बेच दिया जाता है कश्मीर पिछहत्तर लाख रुपए के एवज में आठ दिन के बाद ही एंड दैट इज वेरी नेसेसरी देन प्रेजेंट डे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ दी कश्मीर एक्चुअली बिगन एंड अठारह में जब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर है ये वही वॉर है जिसमें लॉर्ड डल हाउजी ने कोहिन का जो हीरा है बारह साल के महाराजा दलीप सिंह उस समय थे उनसे लूटा था या वॉर के उसमें इन में छीन लिया था जो भी कह सकते हो दैट इज द स्टोरी ऑफ टुडे नाउ इन द लेक्चर नंबर वी विल डिस्कस नॉट एनी वॉर्स वॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज दो तरीके से एनेक्सेशन दो तरीके से होती है या एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन दो तरीके से होता है एक तो डायरेक्टली वॉर से हो सकता है ओके यू टेक अ वॉर यू विन दी उसे जबरदस्ती की ट्रीटी साइन करा लो और दूसरा देर वॉज डिप्लोमेसी ऑल्सो डिप्लोमेसी एज इन की हम जो ये टर्म्स सुनते हैं डॉक्टर ऑफ लैप्स सब्सिडरी अलायस राइट रिंग फेंस पॉलिसी इन सौ सालों में ब्रिटिशर्स कौन सी पॉलिसी फॉलो किया था जिससे उनका रूल एक्सपेंड हुआ विल सी इट इन दैक्चर नंबर फाइव एंड वंस अगेन टू रिमाइंड यू अबाउट द लाइव ग्लास इफ यू वॉन्ट क्लियर द्जाम इट्स एज सिंपल एस डेट दैट यू विल नीड गाइडेंस यू विल नीड मेंटरशिप यू विल नीड समबड़ी टू सपोर्ट यू फॉर दी होल ईयर यूपीएससी इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो आपको किसी का सपोर्ट चाहिएगा स्टडी आई क्यू का लाइफ फाउंडेशन बैच दिस इज वॉट इट इंटेंस टू डू ये वही करने की कोशिश कर रहा है टू प्रोवाइड यू दैट सपोर्ट यू कैन ज्वाइन इट इट्स एज सिंपल एज दैट टू गो आप सीधा स्टडी आई क्यू की वेबसाइट पर जाएंगे यू कैन ईजिली फाइंड आउट यूपीएससी सेक्शन में प्रिलेंस प्लस मीस लाइफ फाउंडेशन मॉर्निंग बैच मॉर्निंग वाले को ध्यान रखेंगे मॉर्निंग बैच जो कि ग्यारह जुलाई सुबह आठ बजे से स्टार्ट हो रहा है

कोई और समय लगाते हैं तो हम थोड़ा सा वेस्ट समय ज्यादा करते हैं सो दिस माइट बी एक्चुअली अ गुड बैच टू कल्टीवेट द डिसिप्लिन विच यू आर लुकिंग फॉर अगेन इफ यू आर एबल टू डू इट अगर आपने ज्वाइन कर लिया और उसके बाद यू डोंट कम टू द्लासेज नाउ दैट वुड बी अ लॉस विच वुड बी ऑन यू बट इन एनी सीने इफ यू आर एबल टू डू इट इट वुड एक्चुअली एड यू इन कल्टीवेटिंग द काइंड ऑफ डिसिप्लिन जो कि एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करता है एंड सेकेंड वी विल हेल्प यू इन इंश्योरिंग दैट यू कवर द सिलेबस सो Let's meet you in the Live Foundation Batch. And don't remember to use Amit Live for joining the course. You need the PDFs of the Spectrum series, they are available on this Telegram channel. You have any other questions related to the Live Foundation Batch or anything for the UPSC preparation? I am available on this Instagram handle. Have a nice day. Study IQ IS. Ab Hui. Affordable.